इराक संकट और शियाओं पर हो रहे हमले के विरोध में श्रीनगर के शिया मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। वरिष्ठ अलगाववादी नेता अब्बास अंसारी की अध्यक्षता में इतिहादुल मुस्लिमीन के समर्थकों ने श्रीनगर के नारबल क्षेत्र के बाहरी इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, इराक जाने की इजाजत दी गई तो वो इराक में ISIL के खिलाफ लड़ने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा, आतंकवादी मुस्लिम समुदाय पर काला धब्बा है। अवाम का खून बहाया जा रहा है, इस पे दुनिया खामोश क्यों है? ये ताजुब खेज बात है। हमारा पैगाम सारी दुनिया तक जाए, सारी दुनिया आवाज उठाए, क्योंकि जो जहाद का नाम इस तरह बदनाम होता है, इससे हमारे मुसलमानों की साख्त दुनिया में खत्म हो रही है। दुनिया के दिखाने के काबिल होते प्योर जहाद इस्लाम दुनिया के सामने ले आए और मजलूम की हिमायत की जाए, किसी मजलूम का खून न बहाया जाए। ये हमारा पैगाम है यहाँ और यही हमारी डिमांड है। इस प्रोटेस्ट हमारी जान फिदा है, अगर हमारे मुकदस वहाँ पे मुकदस रोजे है उनके लिए हमारी जानें भी कुर्बान है। जो मिलिटेंट्स है वहाँ पे आप उनके बारे में क्या कहना? वो तो मिलिटेंट्स है, ये तो पूरे पूरे दुनिया को पता है वो मिलिटेंट्स है। जहाद के नाम पे बोलते हैं हम मिलिटेंट्स है, मुजाहिदीन है, वो तो टेररिस्ट है। इराक के हिंसा प्रभावित क्षेत्र में फंसे 16 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि अगवा किए गए 40 भारतीयों में से एक व्यक्ति मोसुल शहर में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलने में कामयाब रहा। मोसुल पर आतंकवादियों का नियंत्रण है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।